यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं जिनके परखचे उड़ चुके थे, लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया, साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्तोयांका शहर का भी जायजा लिया।